नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन ये होगी लव मैसेजेस आपकी पर्सन की तरफ से, जो वो आपसे कहना चाहते हैं। किसी वजह से हो सकता है ये नहीं कह पाते हैं। कुछ लोग नेचर से शाई नेचर का होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर ये बोलना नहीं, मतलब डायरेक्ट बोल नहीं पाते हैं। तो मैं लवर्स ओरेकल से आपकी पर्सन की मैसेज आपको कन्वे करूंगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। हम इसमें देखेंगे आपके पर्सन एक्चुअल में आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल की बात। मैं इस लवर ओरेकल से पढ़ूंगी और ये रीडिंग होगी 72 घंटे के लिए। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे इसको रखे, बाकी को छोड़ दे। एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, कभी कभी भूल जाती हूँ बोलना। देख लेते हैं आपके पर्सन की उनकी दिल की जो बात है वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। स्कॉर्पियो, हाय रे, पहले ही क्या कार्ड आ गया। सेक्सुअल यूनियन, ये बच्चों की रीडिंग नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये आपके जो पर्सन है आपके साथ एक सेक्सुअल यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों सेक्सुअली एक दूसरे के साथ मिले। ऑन द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एंट्रल सोल, फॉर देयर योर विल फाइंड ट्रस्ट ब्लिस। जहाँ आप दोनों एक दूसरे के भरोसे को जीत सकते हो, भरोसा करके एक दूसरे के साथ आप एक दूसरे के करीब आ सकते हो। ये आपके साथ एक सेक्सुअल यूनियन के द्वारा आपके साथ मिलना चाहते हैं। ये इनकी दिली तमन्ना है कि ये आपके साथ फिजिकली एक यूनियन करे। फिजिकली आपको पता है एक सेक्सुअल यूनियन क्या होता है। नंबर टू, हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है कि आप ऐसा चाहते हो। देख लेते हैं ये और क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं ये और क्या कहना चाहते हैं आपसे। न्यू बिगिनिंग, ये आपके साथ एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। ये न्यू एडवेंचर वेटिंग फॉर यू। इम्बैलेंस, इट ऑल लाई योर ड्रीम पॉसिबिलिटीज विल कम ट्रू। ये बोलना चाहते हैं ये नई शुरुआत के साथ ही आपके लाइफ में जो भी आपका गोल्स है, जो भी ड्रीम है, जो भी पॉसिबिलिटीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये सारा कुछ सच होने जा रहा है। क्योंकि आप इनके साथ अगर यूनियन में आते हो, सेक्सुअल यूनियन में आते हो, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ और करीब आओगे और मिलोगे भी, और धीरे धीरे आप लोगों का जो भी सपना है वो सच में बदलना शुरू हो जाएगा। ऐसा ये आपसे कहना चाहते हैं। मैंने ये कार्ड के जरिए मैं आपको ये मैसेज कन्वे कर रही हूँ। नंबर थ्री, मैं देखूँगी इमोशंस, ए नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। ये आपसे कहना चाहते हैं कि इमोशन इंसान का एक बहुत ज़रूरी और नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप इमोशन को सही जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो तो ये इमोशन बहुत अच्छी चीज़ है। वरना इन ऑर्डर टू सी दिस क्लैरिटी यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजाइनमेंट। आप अगर ये जो आपकी जो
नफरत है या फिर नकारात्मक जो सोच है, इन सोच को, इन इमोशन को आप अगर सही में बदल दे, कन्वर्ट कर दे, तो जो भी आपका सोच नेगेटिव सोच है वो सही में बदल जाएगा। मतलब ये आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपनी इमोशन को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा हम नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़े, नेगेटिविटी को देखें। इमोशन हर चीज़ में होना चाहिए। इमोशन अ नेचुरल नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। इमोशन हम लोगों की लाइफ के एक नेचुरल पार्ट है। लेकिन अगर आप उस इमोशन को सही जगह सही तरीके का तरीके से इस्तेमाल करते हो तो इमोशन आपके लिए बहुत कुछ बता सकता है, इमोशन बहुत कुछ बयां कर सकता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो वही इमोशन आपको परेशानी भी दे सकता है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ये एक मेरी कोशिश है, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं। पावर, यू इंस्टेंटली नो व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग and you have the power to say no or walk away at any time। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये कुछ भी आपसे उम्मीद रखे, जैसे सेक्सुअल यूनियन करना, न्यू बिगिनिंग करना, इमोशन को सही जगह इस्तेमाल करना। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात ये आपसे बोलना चाहते हैं कि जो भी ये कहे, जो भी ये आपसे बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन इन सब से परे आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हो कि इस रिश्ते में आपको रहना है, इस तरीके को अपनाना है, तो ये अपना सकते हो। वरना अगर आप चाहते हो कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन करना है, तो आपके पास वो पावर है, आप कभी भी रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। ये आपकी खुद की डिसीजन है और ये पावर भी आप ही के हाथों में है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ये वीडियो देखते रहिए।